वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सवाल ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द था या नहीं था, मुजरिम था या हीरो था। सवाल ये है कि आज हमारी बका, हमारी सॉवरेंटी जो है वो चैलेंज हुई हुई है। हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल या निशान है, हमारी दिफाई कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल या निशान है। हम इधर से अपने आप को किस तरह रिडीम करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अपनी 18 करोड़ अवाम के सामने भी किस तरह रिडीम करेंगे अपने आप को। सिद्दीकी फारूक साहब, आपसे आगाज करें। मैं ये अर्ज करूंगा कि सबसे पहले तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दलेरी से जायजा लें जी। अगर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाई जाती है तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में भी ये मामलात बड़े खुलकर सामने आए, और आने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और फिर इस 18 करोड़ आवाम को भी एतमाद में लिया जाए ताकि आवाम उसकी पुश्त पर हो और एक दलेराना अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए, गलतियों का एतराफ किया जाए, और जो हमारी ताकत है पूरी खुद एतमादी से वो लेके हम सामने खड़े जी। अच्छा हाजी दिल साहब, अमरीका आज आपकी, आज नहीं बरसों से, और आज एक दफा फिर आपकी नीयत पे शक कर रहा है, और वो ये कहता है कि हमें बताया जाए कि ये इंटेलिजेंस थी कि नहीं थी, या तो एतराफ करो ना अहली थी। आपको क्या लगता है कि इससे आगे हमसे क्या क्या डिमांड किया जाएगा, हम किस तरह निकलेंगे? जिस वक्त अमेरिकन ये कहते थे कि ओसामा पाकिस्तान में है, और या अलकायदे की क्यादत यहाँ है, या क्वेटा में शुरा मौजूद है तालिबान की, हमने हमेशा इनकार किया है। लेकिन हमेशा हमने ही पकड़ के, या अमेरिका ने खुद पकड़ के अलकायदा के क्यादत को, या हमारे यहां से अमेरिका ने खुद पकड़ के, खुद भी हमने पकड़ के भी दिया, ज्यादा हमने भी दिए, लोग मैं ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, हमने फैसलाबाद से पकड़ के दिया है जी, जी, बिल्कुल। हमने कराची से, पिंडी से, मद्दान से, सब जगह। तो सवाल यह है कि इन तमाम मसाइल को हमें अब डिस्कस करना चाहिए, इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। अच्छा, और मैंने पहले भी तजवीज किया है, एक मुंतखब हुकूमत है, मुंतखब पार्लियामेंट है, हमें इन कैमरा एक सेशन होना चाहिए, हम हमारी सिविल और मिलिट्री क्यादत दोनों आना चाहिए, और उसके बाद हमारे पार्लियामेंटेरियन जो भी फैसला करे वो फैसला माँ बाप के पास जाके ले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि क्या पार्लियामानी एक कमेटी भी थी जजेस की तकर्री के लिए भी है, उसके साथ क्या हाल हुआ है वो हमने देख लिया है, उसकी भी नहीं मानी जा रही। अगर ये इन कैमरा सेशन हुआ जिस तरह हाजी दिल साहब बात कर रहे हैं, इसकी जो भी रिजल्ट आएंगे, क्या ये हुकूमत इतनी ताकत, हिम्मत, जुर्रत रखती है कि उसके ऊपर अमल करे, या पनिशमेंट दे, या कैफे के दार तक पहुंचाए? मुझे कोई उम्मीद नहीं जी। अच्छा, क्योंकि यह हमारे सारे लोग यस मैन हैं, ये वही बात करेंगे जो बड़ी सरकार कहेगी, क्योंकि इन्होंने हम सबको गुलाम बना दिया है। कहां गुलाम और कहां आका, हिज मास्टर्स वॉइस है। जो कुछ अमेरिका बोलेगा ये वही बोलेंगे, और जब हम बिक चुके हैं, उनके खर्चे पर चल रहे हैं, फिर जुर्रत नाम की क्या क्या हमीयत नाम, मैंने पार्लियामेंट की बात किया, मैं आपकी चीज से इत्तेफाक करता हूं, पार्लियामेंट की बात, आपकी चीज से इत्तेफाक करता हूं, आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं, आपकी तजवीज से इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होना चाहिए, तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, और फिर ये वक्त फैसला करेगा कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। लेकिन जो तजावीज मुरतब हो, इसकी यकीन दहानी कराई जाए कि उस पर कोई अमल दरामद भी होगा जी। वक्त तो हमेशा ही फैसला करता है, हम तारीख में देखते आते हैं, क्या आपकी हुकूमतें वक्त फैसला कर सकेगी? मैंने तीनों अपने कोलीग्स की गुफ्तगू सुनने के बाद ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम से हकायक नहीं छुपाने चाहिए, और आई रेस्ट श्योर देम कि हुकूमत हर तरह का जो एक्शन एबटाबाद में हुआ, सराउंडिंग या उसके बाद अब जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, वो पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेगी, वो कौम को भी एतमाद में लेगी। लेकिन चूंकि ये एक हसास मसला है, सेंसिटिव इशू है, इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी और उन सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लेना और मिल बैठ के एक कंसेंसस इवॉल्व करना, ताकि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो उन पाकिस्तान के दुश्मनों से कौन लड़ेगा? पहले हमें आपस में बैठ के एक यूनिटी से, कंसेंसिस से, कंसल्टेशन से डिसीजन लेना है, और फिर उस डिसीजन पे अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान के जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, दुश्मन है, जो इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान पे घेरा तंग करने की साजिशें हो रही हैं, हमने मिलकर उसका सामना बहुत करना बहुत है शुक्रिया। और उसके लिए पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट यकीनन एक बहुत आम किरदार अदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट जो है वो अभी हमें हिलती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरह नहीं है कि जिस तरह फौज ने बड़ी मुश्किल से वापस हमायत और कॉन्फिडेंस हासिल किया था आवाम का। अब आवाम के सेंटिमेंट्स और जज्बात जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, हुकूमत के हवाले से भी और हमारी अस्करी क्यादत के हवाले से भी। हमें जवाब
जवाब मिलेगा, क्या हमें ये तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा कि हमारी जिंदगी जान और माल जो है इस मुल्क में पाकिस्तान में जो है उसका ख्याल किया जाता है। कल आपको लैला के हवाले से भी बताएंगे एक खुशखबरी। आज के लिए इजाजत दीजिए, टिल आई सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।